साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस, 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, टू व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स, साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। नमस्कार, न्यूज आप तक देख रही हैं आप और आपके साथ मैं हूँ आर्या झा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सांसद कुलदीप राय शर्मा को लगातार तीसरे वर्ष प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। लोकसभा के 543 सांसदों और राज्यसभा के 250 सांसदों में से कुल 5 सांसदों को इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुना गया है। आपको बता दें कि सांसद कुलदीप राय शर्मा ने पिछले 5 वर्षों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों से जुड़े कई प्रमुख मुद्दे उठाए हैं। इन मुद्दों में प्रशासन के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरना हो, अंडमान के लिए एम्स सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को प्रतिनियुक्ति पर अंडमान भेजना हो, सभी पीएचसी में अल्ट्रासाउंड या रेट लैंड परियोजना को पूरा करना हो और घनी खाड़ी बांध को पानी स्थानांतरित करना हो, इसके साथ ही फ्लैट वे की जल परियोजना को पूरा करना हो या सिपी घाट मीठे पानी की झील का निर्माण कार्य पूरा करना, बिजली विभाग का निजीकरण नहीं करना, इसके साथ ही साथ आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाना, 61 में पूर्व अतिरिक्त भूमि के सभी छूटे हुए मामलों को नियमित करना हो या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी भूमिहीन लोगों को 200 वर्ग मीटर भूमि प्रदान करने सहित कई मामले शामिल है। कुलदीप राय शर्मा को लगातार तीसरी बार मिलने वाला यह सम्मान संसदीय कार्यवाही में उनके असाधारण योगदान को रेखांकित करता है और द्वीपों के लोगों की सेवा करने के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस वर्ष यह पुरस्कार 17 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में संसद भवन में एक समारोह में प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें कि सांसद की उपलब्धियां व्यक्तिगत मान्यता से परे हैं, जो भारत भर में उनके समकक्षों के लिए संसदीय मामलों में प्रभावी ढंग से योगदान करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने का एक चमकदार उदाहरण स्थापित करती है। सांसद रत्न, जिसे सांसदों के लिए सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना जाता है, उन लोगों को दिया जाता है जो अपनी भूमिकाओं में अनुकरणीय समर्पण और क्षमता प्रदर्शित करते हैं। इस वर्ष में संसद रत्न पुरस्कारों के प्रतिष्ठान प्राप्तकर्ताओं में भाजपा के सुकांत मजूमदार, शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे, भाजपा के सुधीर गुप्ता और रंगपा के अमोल राम सिंह कोल्हे और कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा शामिल है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो सांसद अच्छे काम कर रहे हैं, जिनकी एक अच्छी काम और लोगों के बीच एक अपनी प्रतिस्पर्धा स्थापित करते हैं, उनको ये सम्मान मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।